अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 1992 से बात शुरू करते हैं। एक दिन अचानक हफ्ते के रोज़ सुबह अखबारात शाये हुए तो लोगों को पता चला कि वज़ीरे आज़म नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज की शादी वज़ीरे आज़म के एडीसी कैप्टन सफदर से कर दी गई। अवाम की अक्सरियत जान गई थी कि ये पसंद की शादी थी, लेकिन अमूमी तौर पर कोई ख़ास रद्द अमल नहीं दिया गया। लेकिन इस्लामाबाद का एक सहाफ़ी बेचैन था कि अपोजिशन लीडर बेनज़ीर की तरफ से नवाज शरीफ की इस कमज़ोरी का फ़ायदा क्यों नहीं उठाया जा रहा। इस सहाफ़ी ने मामले का खोज लगाने का फ़ैसला किया और मॉडल टाउन लाहौर पहुंच गया। वहां वो एक रात नवाज शरीफ की रिहाइश गाह की दीवार फलांग कर इसके सर्वेंट क्वार्टर पहुंच गया और वहां मौजूद मुलाजिम के साथ अट्टा सट्टा लगाकर अंदर की कहानी निकाल ली। मुलाजिम को बख्शिश के तौर पर चंद सौ रुपए दे दिए और वादा कर लिया कि इसका नाम नहीं आएगा। अगले दिन ये सहाफ़ी इस्लामाबाद वापस आया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खालिद खर और तस्नीम नवाज गर्देजी को एतमाद में लिया और बेनज़ीर से मिलने चला गया। वहाँ पहुँच कर इसे वो सब राम लैला सुना दी जो नवाज शरीफ के मुलाजिम ने सुनाई थी। असल बात क्या थी ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। ताहम मरियम सफदर के हवाले से चार माह वाली खबर सबसे पहले इसी सहाफ़ी ने ब्रेक करके पीपी की क्यादत के सामने रखी ताकि वो नवाज शरीफ की बेटी को बदनाम करके मतलूबा फवायद हासिल कर सके। बेनज़ीर ने शुक्रिया के साथ इस सहाफ़ी की ये ऑफर मुस्तरद कर दी और कहा कि वो इस मामले को सियासत में नहीं घसीट सकती। ये सुनकर वो सहाफ़ी मायूस तो ज़रूर हुआ, लेकिन इसने हिम्मत ना हारी। इस वक्त MQM के ख़िलाफ़ कराची में ऑपरेशन जारी था, चुनाचा इसने MQM की क़यादत के साथ राबता करते हुए यह ख़बर इनके साथ शेयर कर दी। आपको याद होगा कि चंद साल कबल MQM के हैदर अब्बास रिजवी और वसीम अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ की बेटी के मुतालिक कहा था कि घर घर में कंजर खाना खुला हुआ है। इनके इस बयान के पीछे इसी सहाफ़ी के कई साल कबल फराहम किए गए सबूत थे। खैर, वापस 1993 में आ जाएं। नवाज शरीफ की हकूमत बरतरफ हो चुकी थी, बेनज़ीर इक्तदार में आ चुकी थी। ये सहाफ़ी अभी तक अपने इंफॉर्मेशन को कैश करवाने की कोशिश में लगा था। 1994 में सदर फारूक लिगारी के खिलाफ अपोजिशन ने मेहरान बैंक स्कैंडल उछाला। इस वक्त ये सहाफ़ी एक मरतबा फिर फारूक लिगारी से मिला और कहा कि नवाज शरीफ को जवाब देने के लिए इसकी बेटी का मामला उछाला जाए। फारूक लिगारी खुद तो शरीफ आदमी था, लेकिन चूंकि दबाव का शिकार था इसलिए इसने इस सहाफ़ी को बेनज़ीर के इस वक्त के मीडिया एडवाइस और सहाफ़ी अजहर सुहेल के पास भेज दिया। अजहर सुहेल इस वक्त PTV पर मुकाबिल है आईना के उनवान से प्रोग्राम किया करता था जिसमें नवाज शरीफ के खिलाफ स्कैंडल्स उछाले जाते थे। वैसे तो अजहर सुहेल कमीनी नेचर का इंसान था, लेकिन इसकी भी हिम्मत ना हुई कि वो नवाज शरीफ की बेटी का मामला उछाले। अजहर सुहेल ने इस सहाफ़ी को इस वक्त के पीपल्स पार्टी के रहनुमा मियाँ जाहिद सरफराज के पास भेज दिया। ये सहाफ़ी अपने साथ मरियम की स्टोरी लिए फैसलाबाद में जाहिद सरफराज के पास पहुंच गया। जाहिद सरफराज ने जब स्टोरी पढ़ी तो इस सहाफ़ी से सवाल किया कि इसके बदले में तुम क्या चाहते हो। सहाफ़ी ने जवाब में मुतालबात की एक लंबी फहरिस्त पेश कर दी जिसमें इस्लामाबाद में प्लाट से लेकर
अपने आधे खानदान के लिए सरकारी नौकरियां मांगी गई थी। जाहिद सरफराज कुछ अरसे बाद वफात पा गया। 1996 में बेनजीर की हुकूमत ख़त्म हो गई, नवाज शरीफ बरसरे इक्तदार आ गया, तो इसने इस सहाफ़ी को जंग अखबार से निकलवा दिया। ये सहाफ़ी एक फर्जी नाम से इस्लामाबाद के एक गैर मारूफ अखबार का एडिटर बन गया और कालम लिखना शुरू कर दिए। फिर एक दिन इसने अपने कालम में नवाज शरीफ को मशवरा दे डाला कि वो आइन में तरमीम करके अमीरुल मोमिनीन वाले इख्तियारात हासिल कर ले, ताकि अदलिया या फौज कभी इसके खिलाफ खड़े ना हो सकें। ये मशवरा नवाज शरीफ को बहुत पसंद आया और इसने इस सहाफ़ी को बुलाकर अपने तमाम गिले शिकवे दूर कर दिए। फिर जब 2005 में नून लीग और पीपी की तरफ से मिसाक जमहूरियत पर बातचीत शुरू हुई, तो ये सहाफ़ी उचक कर दोनों जमातों की गोद में बैठ गया। अदलिया तहरीक चली तो इसने अपने प्रोग्राम में मुशर्रफ कुत्ता के नारे लगवाए। 2007 में बेनज़ीर कत्ल हुई तो सबसे पहले जरदारी की वसीयत की तस्दीक इसी सहाफ़ी ने ये कहकर की कि मरने से दो दिन कबल लाहौर में सेनेटर गुलजार की रिहाइश गाह में बेनज़ीर ने खुद इसे यह वसीयत दिखाई थी, जिसमें जरदारी को चेयरमैन नामज़द किया गया था। 2008 में जरदारी सदर बना तो इस सहाफ़ी ने इसे सियासी बसीरत के हवाले से दुनिया का सबसे बड़ा लीडर साबित करना शुरू कर दिया। 2013 में नवाज शरीफ हुकूमत में आया तो ये सहाफ़ी टपूसी मारकर जरदारी के खिलाफ और नवाज शरीफ के हक में लिखना शुरू हो गया। 2018 में जब हर तरफ इमरान खान का डंका बज रहा था, तो इसी सहाफ़ी ने नवाज शरीफ को चोर होने का सर्टिफिकेट और इमरान खान को तब्दीली का अलमबरदार करार देना शुरू कर दिया। जब इमरान खान वज़ीर आज़म बना तो सितंबर में इस सहाफ़ी को इनकम टैक्स वालों ने नोटिस भेज दिया। इसने फौरी तौर पर ऊपर काले मिलवा कर इस नोटिस को वक्ती तौर पर तो वापस करवा दिया, लेकिन वो जानता था कि ज़्यादा देर तक वो बच नहीं सकता। फिर आहिस्ता आहिस्ता नून लीग और पीपी के करप्ट लीडरों के खिलाफ कार्रवाई होना शुरू हो गई। फिर एक दिन राणा सनाउल्ला भी पकड़ा गया, जिसके रद्द अमल में ये सहाफ़ी अपने बाल नोचता हुआ दीवानावार प्रेस क्लब के बाहर कलाबाजियां खाना शुरू हो गया। ये सहाफ़ी कोई और नहीं बल्कि हामिद मीर है, जिसने पाकिस्तान में ब्लैकमेलिंग की सहाफ़त को फ़रोग दिया। हर हकूमत की गोद में बैठा, मराआत लीं और फिर अगली हकूमत के कसीदे पढ़ना शुरू हो गया। अभी बहुत से वाक़यात बयान होने से रह गए जिनका ताल्लुक भारत और CIA से है, ये किसी और वीडियो में शेयर किए जाएंगे। मुख्तसर अर्ज़ ये है कि हामिद मीर को सहाफ़ियों में वही मकाम हासिल है जो बीमारियों में बवासीर को और अदाकाराओं में सनी लियोनी को हासिल है।